नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर उदरमन और मैं हूँ आपका जानकार जानकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि डेंटल ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कहाँ से कराना चाहिए। तो शुरू करें। तो मुझे बहुत सारे लोगों का कॉल्स आते हैं और मुझे मैसेजेस आते हैं कि सर, हम अपना ब्रेसेस का ट्रीटमेंट करा रहे हैं बट हम उससे सेटिस्फाइड नहीं है क्योंकि ब्रेसेस को लगाए हुए हमें इतना टाइम हो गया है और फलाना ढिमकाना रीज़न से हम सेटिस्फाइड नहीं है। जब मैं उनसे ज़्यादा बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो जो है उनसे मैं थोड़े से सवाल पूछता हूँ तो मेरे को बोलते हैं कि सर, हमारे डॉक्टर जो है उन्होंने जो है BDS करके डिप्लोमा किया है ऑर्थोडोंटिक्स में और मुझे उनका जो है काम से ज़्यादा संतुष्टि नहीं मिल रही है। अब एक चीज़ मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताना चाहता हूँ, देखिए मेरा कोई हक नहीं है निजी यू नो टिप्पणी करने का किसी के ऊपर भी, चाहे वो BDS हो या MDS हो, लेकिन अगर मेरे कनपट्टी पे बंदूक ताकेंगे और बोलेंगे कि आपको ब्रेसेस का ट्रीटमेंट कराना है BDS विद ऑर्थोडोंटिक डिप्लोमा या MDS ऑर्थोडोंटिक्स, तो मैं दो टूक एक तरीके से जवाब दूंगा कि MDS ऑर्थोडोंटिक्स। प्लीज़ अपना ब्रेसेस का ट्रीटमेंट MDS ऑर्थोडोंटिक्स से ही कराइए। ऑर्थोडोंटिक्स एक बहुत स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जिसमें बायोमैकेनिक्स यानी कि टूथ मूवमेंट की यानी कि दांतों को हिलने हिलाने की जो है प्रक्रिया को पूरी तरीके से साइंटिफिकली वैज्ञानिक तरीके से समझा जाता है और उनकी जो है इसमें रुचि होती है, उनको 3 साल मास्टर्स करनी होती है और इसीलिए जो है अगर आप ब्रेसेस का ट्रीटमेंट या दांत के अलाइनमेंट का ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरा आपसे अनुरोध है कि MDS ऑर्थोडोंटिक्स यानी कि मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने MDS ऑर्थोडोंटिक्स या डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स में कर रखा है उनकी इस चीज़ के बारे में रुचि है और उनको इस बारे में पता होता है। मैं किसी के बारे में पर्सनल कमेंट नहीं कर सकता कि उसका कितना जो है कैलिबर है, हो सकता है वो BDS करके डिप्लोमा करके ऑर्थोडोंटिक्स में उन्होंने अच्छा काम किया हो, लेकिन अगर मैं अपने घर वालों को या किसी अपने परिजन को भेजना चाहूँगा ब्रेसिस के ट्रीटमेंट के लिए तो मैं अपने आप को या अपने पेशेंट्स को या अपने परिजन को MDS ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स के पास ही भेजूँगा क्योंकि उनको पता है कि एक एक दांत में कितनी फोर्स लगती है, कितना जो है उसमें निर्देश देना है, डायरेक्शन देना है और किस तरीके से इन सब चीज़ों को काम करना है। तो अगर आप अभी अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं नॉन MDS ऑर्थोडोंटिक्स से तो मेरा आपसे अनुरोध है इमीडिएटली उस ट्रीटमेंट को स्विच ओवर कर दीजिए। अगर आपका ट्रीटमेंट आपके हिसाब से हो रहा है और आप उससे संतुष्ट हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उस पर आप पे कोई आप पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका ट्रीटमेंट में थोड़ी खामी है, थोड़ी कमियाँ हैं और अगर आपको पता है कि जो आपके क्वालिफिकेशन है आपके डेंटिस्ट की वो MDS ऑर्थोडोंटिक्स नहीं है तो एक बार MDS ऑर्थोडोंटिक्स से टिप्पणी और सलाह लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं तो ये मेरा सोशल मीडिया हैंडल और मेरा व्हाट्सअप नंबर, कृपया करके मुझे डायरेक्टली कॉल ना करिए। मुझे डायरेक्टली मैसेज करते हैं तो अपना नाम, स्थान और समस्या लिखिए, ये मत लिखिए बोलिए सर, ये सर, वो सर, बात जवाब क्यों नहीं देते, मैं जवाब अपने अपने टाइम पर दूंगा। प्लीज़ इस चीज़ की मेरी आपसे जो है मंशा है, एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ तुरंत जवाब एक्सपेक्ट मत करिए क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मुझे जो है बहुत सारे पेशेंट्स के जवाब देने होते हैं तो हो सकता है उस टाइम में मैं आपका जवाब देना भूल जाऊँ। तो थोड़ी विनम्रता से मेरे से मैसेज करिए, सर आपका समय कब मिल सकता है, हम बात करना चाहते हैं तो हम उसके हिसाब से शेड्यूल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।